तो गाइस अपने साइंस के एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लो। हाँ यार, देखो तुम्हारे एग्जाम की जैसी भी तैयारी इस समय गाइस है, अब तुम उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक तुमने गाइस जितना भी पूरे इन दिनों में पढ़ा है या जितना भी गाइस तुमने रिवाइज किया है, तुम अपनी पोजिशन जानते हो यार कि तुम इस समय कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से जितना भी टाइम बचा है गाइस, उसमें बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाना है। हाँ यार, देखो हर साल ये चीज़ देखी जाती है, जब बच्चा एग्जाम सेंटर से निकलता है तो उसके उससे सबसे पहले जो शब्द निकलते हैं ना, वो यही निकलते हैं कि भैया पूरा पेपर एनसीईआरटी से बना था। हाँ यार देखो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, उसका पूरा A to Z गाइस जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं उन सबका रिविजन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी गाइस देखो तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी वीडियोज बनाई है, जैसे कि MCQ की तुम देख सकते हो, कुछ बहुत टॉप 20 MCQ है, या गाइस टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो, या डायग्राम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखना है। इनकी PDF का लिंक भी मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जितना स्टडी मटेरियल है वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है। बाकी देखो मैंने तुम्हें बता दिया है कि गाइस तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा है, 80% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से ही बनना है। ठीक है, तो तुम्हें अभी से लेके गाइस जितना भी टाइम बचा है उसमें एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट्स हो या कुछ माइंड मैप्स हो, जो कि बेसिकली मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, तो उससे ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर मैं तुम्हें ये माइंड मैप जो प्रोवाइड कराऊंगा गाइस, इससे तुम पूरा एक क्विक रिविजन कर सकते हो, क्योंकि यार देखो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है इस लास्ट के टाइम में, जब तुमने इस पूरे साल गाइस जब इतने कंसेप्ट पढ़े हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो अब टाइम है गाइस उन सबको एक जगह इकट्ठा करने का, उन सबको एक जगह कंसोलिडेट करने का, ताकि गाइस तुम्हें एक पैटर्न में सब चीज़ें याद रहें, तब जब तुम एग्जाम में जाओगे तो उन सबको गाइस तुम्हारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी मदद से तुम अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओ। ठीक है, बाकी देखो एग्जाम में जाके कुछ बातों का और ध्यान रखना, तुम ऑलरेडी 2 एग्जाम दे चुके हो, तुम्हें अपनी वीकनेस पता होगी, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या आया है वो गाइस तुम्हें पता होगा। ठीक है, वो चाहे टाइम मैनेजमेंट हो या गाइस हम बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तुम्हें समझ में नहीं आता, भाई क्वेश्चन में क्या करें, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई भी दिक्कत तुम्हारी हो सकती है। ठीक है, तो गाइस उसके लिए यही है कि यार उस पर थोड़ा सा काम करो, जितना तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात है तो गाइस उसके लिए तुम यहाँ पर शेड्यूल कर लो। हालांकि देखो तुम्हें हिंदी में और इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट की अगर प्रॉब्लम हुई है तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन गाइस देखो साइंस में तुम्हारे सामने ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, बाकी गाइस जिन बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो बिल्कुल बेसिकली होगी नहीं। ठीक है, तो फटाफट तुम आंसर लिखते चले जाओगे। बाकी प्रेजेंटेशन की गाइस कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, जो थोड़े बहुत डायग्राम्स तुम किसी क्वेश्चन में बना सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग वीडियोस बेसिकली मैं बता दी थी। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुमने यार जितनी भी स्टडी की है उस पर पूरी कॉन्फिडेंट तरीके से एग्जाम में जाना, बिल्कुल भी नर्वसनेस मत दिखाना। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हों, तो उनसे मत घबराना। ठीक है, उनमें भी अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करना। बाकी जो गाइस बाकी के क्वेश्चन है जिन्हें तुम सबसे अच्छे से कर सकते हो उन्हें पहले करना। ठीक है, तो यार देखो इन कुछ बातों का ध्यान रखो। MCQ पे गाइस कई बार MCQ आपके सामने उठ के आ सकते हैं, तो कोशिश करो कि MCQ में गाइस जितने भी आपके असेसन रीजन के क्वेश्चन हो, या जो नॉर्मल गाइस हम बात करें एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन की, तो उन पे उनके लिए भी गाइस देखो NCERT तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिविटीज होंगी मोस्ट प्रोबेबली आपकी NCERT की ही आएंगी, और गाइस उन्हें तुम अच्छे से कर लोगे तो MCQ में तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, बाकी गाइस जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे, तो कंसेप्ट गाइस तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो तुम उन्हें भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और यार देखो जो भी स्टूडेंट इस समय अब भी चाहते हैं कि भाई लास्ट में कुछ ऐसी पावर डोज मिल जाए जिससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ, मतलब अगर मेरी प्रिपरेशन कहीं 60-70 पे है ना, तो उसमें 75 या 75+ बना पाऊँ, तो गाइस उसके लिए ही देखो मैंने तुम्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है। एक बार मैं तुम्हें फिर बता दूंगी गाइस, देखो मैंने तुम्हें यहाँ सबसे पहले MCQ की वीडियो, क्वेश्चंस की वीडियो, डायग्राम्स की वीडियो, और गाइस देखो अभी जो मैंने सुबह एक वीडियो डाली क्वेश्चंस की, उसे अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस लास्ट के टाइम में भी। ठीक है, बाकी देखो तुम्हें एक क्विक रिवीजन तो लेना ही है, जिसके लिए मैं तुम्हें NCERT बता दी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करो गाइस, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपना साइंस का एग्जाम दो गाइस। मुझे उम्मीद है कि तुम सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी साइंस में। तो कल बस एक ही कमेंट चाहिए मुझे इस वीडियो में कि भैया मैंने एग्जाम फोड़ दिया। ठीक है, तो चले गाइस इस वीडियो में, मिलते हैं अगले सुपर टू प्रॉमिसिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।